हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल मम्मी की रसोई विद हरदीप कौर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेव टमाटर की रेसिपी, जो कि बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर रेडी करी है। और हमने इसे बहुत आसान तरीके से बनाया है, कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं लहसुन, अदरक, 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। अब हम प्याज को कुछ इस तरह से कट करके जार में ग्राइंड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक अदरक के टुकड़े और लहसुन। इन तीनों चीज़ों को हम साथ में मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे, जिससे हम हमारी सेव भाजी की ग्रेवी रेडी करेंगे। हम जार में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें स्मूथली ग्राइंड हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने एक स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट इसका रेडी कर लिया है। सारे प्याज, अदरक और लहसुन अच्छी तरह से पिस गए हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। 2 से 3 मिनट हम मीडियम से लो की फ्लेम में ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 लहसुन, अदरक और प्याज से बना हुआ पेस्ट जो हमने ग्राइंड करके अभी रेडी किया था। अब हम इसे ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मीडियम से लो की फ्लेम में इसे भुनेंगे। दोस्तों, हमने ये सेव टमाटर की रेसिपी जो है, अब हम हमारा जार में बचा हुआ पेस्ट भी कुछ इस तरह से थोड़ा पानी डालकर निकाल लेंगे। स्पून की हेल्प से हम सारा पेस्ट जार में जो लगा हुआ है वो निकाल लेंगे और उसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम सारा पेस्ट जार से निकाल कर कढ़ाई में डाल रहे हैं। इस तरह से हम करछी से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सारा पेस्ट और अब हम इसे 2 से 3 मिनट ढक कर भुनेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसके लिड लगा दी है। अब हम ढक्कन हटाएंगे और अच्छी तरह से लहसुन, अदरक और प्याज से बने हुए पेस्ट को इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक ताकि हमारा जो मसाला है वो जल्दी भुन जाए। दो टीस्पून हमने नमक डाला है, आप स्वाद अनुसार इसमें नमक डालें। अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। हाफ टी स्पून इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब हम
नमक, गर्म मसाला और मेथी तीनों को अच्छी तरह से पेस्ट के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट ढककर भूनेंगे। देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट लो से मीडियम फ्लेम में हमने हमारा मसाला भुना है। इस तरह से हम इसे चलाते जाएंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरह से लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट भुन चुका है। फ्रेंड्स, हम इससे बना रहे हैं सेव टमाटर की ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर। हमने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हम इसमें डालेंगे नॉर्मल हमारा लाल मिर्च पाउडर जो हम नॉर्मली डेली यूज़ करते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और इस तरह से हम सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दोस्तों, हमने 3 से 4 टीस्पून इसमें दही डाला है और दही को भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट दही डालकर भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं टमाटो सॉस। जी हाँ दोस्तों, टमाटो केचप जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम इसमें 1 टीस्पून सॉस डाली है। टमाटो केचप डालकर हम उसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने एक सेम और इक्वल टुकड़ों में कट करके रखे हुए थे। हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे। दोस्तों, ये सब्जी का नाम ही सेव टमाटर है। ये पूरी टमाटर पे भी बेस है, इसलिए हम टमाटर को मैक्सिमम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम इसमें एक करछी में पानी लेकर डाल देंगे और सारे टमाटर के टुकड़ों को भी मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 4 से 5 मिनट ढककर भुनेंगे। जब तक सारे टमाटर अच्छी तरह से भुन ना जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तब तक हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे मीडियम से लो की फ्लेम में। देखिए दोस्तों, ढक्कन हटाने के बाद कुछ इस तरह से हमने इसे चलाते हुए भुना है। देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट भुनने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरह से दिख रहा है और ये लगभग भुन चुका है। सारे टमाटर अच्छी तरह से भुन गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से भुन गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है।
अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, या हम इसे तरी भी बोल सकते हैं। हमने इसमें एक ग्लास पानी डाला है। आप आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालकर तरी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ना ही हमारी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हुई है, ना ही ज़्यादा पतली हुई है। ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में है। इसमें एक बॉईल आ गया है, एक उबाल आ गया है। हमने इसे 2 से 3 मिनट ढककर उबाल दिलाया था। हमारी सेव टमाटर की ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला। अब हम 2 से 3 मिनट ढककर पकाएंगे, मतलब हमारी तरी में थोड़ा और उबाल आ जाए, इसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट ढककर उबाल आने के बाद हमारी तरी कुछ इस तरह से दिख रही है। काफ़ी डिलीशियस हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है सेव टमाटर की। हम इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। ग्रेवी में काफी अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे सबसे मेन और फाइनल इंग्रेडिएंट सेव। देखिए दोस्तों, हम इसमें सेव डाल रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हमारी सेव टमाटर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। दोस्तों, जब हम सर्व करें तब हम इसमें सेव डालेंगे, ताकि हमारे जो सेव हैं सब्जी के, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। हम इसे एक हार्ट शेप के सुंदर से बाउल में सर्व कर रहे हैं। इसमें हमने ऊपर से डाला बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ ही मिनटों में रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी सेव टमाटर की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। देखिए दोस्तों, हमने इसे कुछ इस तरह से सर्व किया सलाद के साथ में। ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएँ और सारी वीडियोज़ देखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक